दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्विट्जरलैंड की एक कंपनी क्रिप्टो एट्री ने जासूसी के उपकरणों को बनाना और बेचना शुरू किया था। साल 2018 तक क्रिप्टो एट्री के जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जासूसी का काम डिजिटल तरीके से होने लगा। इसलिए CIA ने वर्ष 2018 में इस कंपनी को बेच दिया और अब नई कंपनी क्रिप्टो इंटरनेशनल ग्रुप का दावा है कि उनका किसी खुफिया एजेंसी से कोई संबंध नहीं है। वैसे ये भी ये संभव है कि CIA ये दुनिया की कोई और खुफिया एजेंसी ऐसा ही कोई ऑपरेशन अभी भी चला रही हो और शायद कुछ वर्षों के बाद आपको इसकी खबर मिले। अमेरिका के अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने जर्मनी के एक मीडिया हाउस के साथ मिलकर इस मामले का खुलासा भी किया है और स्विट्जरलैंड की सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। CIA की इस जासूसी के कारण ही चीन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को अमेरिका ने बैन कर दिया था। अमेरिका को डर है कि इस कंपनी के उपकरणों की मदद से चीन उसकी भी जासूसी कर सकता है। आपने देखा होगा कि दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच रहते हैं और अपनी सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन क्या ये सभी लोग अपनी संपूर्ण सुरक्षा करने में भी सक्षम है? 50 वर्षों तक दुनिया के 120 देशों का सीक्रेट डेटा चोरी होता रहा। इस खबर के बाद ऐसा लगता है कि इन ताकतवर राजनेताओं की शारीरिक सुरक्षा के तो सारे इंतजाम किए जा सकते हैं, लेकिन इनके डेटा को सुरक्षित रखने की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत और इसके गैंगस्टर की इंफॉर्मेशन भी CIA ऐसे ही लेती है? जानेंगे इसके अगले पार्ट में। वैसे आपको बता दें, ये हो सकती है KGF3 की कहानी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं KGF3 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। आप फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।